को बता दें, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। भोपाल से एक खबर, जहां सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू कर दी है। तो पेंशनर्स के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अब पोस्टमैन ही बनाएंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर घर घर ये पोस्टमैन पहुंचेंगे। तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट किया जाएगा, बायोमेट्रिक डिवाइस से इसका सत्यापन होगा। जीवन प्रमाण पोर्टल पर इसे अपडेट किया जा सकेगा। तो आपको जानकारी दे दें, अस्वस्थ अति वरिष्ठ पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स की सहूलियत के लिए सरकार ने प्रदेश में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की ये नई व्यवस्था लागू कर दी है। और अब डाकिया यानी कि पोस्टमैन ही बायोमेट्रिक डिवाइस से सत्यापन करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करेगा। ये जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपडेट किया जा सकेगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए वाकई राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें अभी तक केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते थे, परेशान होना पड़ता था, लेकिन इन तमाम समस्याओं से अब निजात मिलेगी। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हजारों लाखों पेंशनर्स हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होती थी कि जब भी उन्हें जीवन प्रमाण पत्र अपना जमा कराना होता था तो पास के किसी शहर या कंप्यूटर केंद्र या कियोस्क पर जाना पड़ता था। ऐसे में काफ़ी परेशानी उन्हें हुआ करती थी। शायद ये वजह कि सरकार ने अब ये व्यवस्था लागू की है कि पोस्टमैन अब घर घर जाकर बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए उनका प्रमाणीकरण करेंगे, सब सत्यापन करेंगे, और अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। इसको वो तुरंत ही जीवन पोर्टल पर अपडेट करेंगे, ताकि उन्हें समय पर जो बुजुर्ग पेंशन मिलती है या अन्य जो सुविधाएं मिलती हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। किसी प्रकार से जो हर साल एक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है बुजुर्ग पेंशनर्स को, तो बड़ी परेशानी देखी जाती थी। शायद यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, डिजिटल भारत की तरफ, आधुनिक भारत की तरफ मध्य प्रदेश या देश बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत उन पेंशनर्स के लिए है जो खासतौर से इंटीरियर में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, जंगली जो वन जीवन होते हैं उसमें रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी सुखद खबर है कि अब उन्हें अलग अलग स्थानों पर नहीं भटकना पड़ता है पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता था कि शहर में कियोस्क होते हैं, ऐसे में गांव से कई बुजुर्ग पेंशनर होते हैं, कई बार दिव्यांग होते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो वाहनों के अभाव में, जानकारी के अभाव में वहां तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें पेंशन से ही वंचित होना पड़ता था। लेकिन अब सरकार के इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनका घर पर हो जाएगा, पोस्टमैन को ये जिम्मेदारी दी है, तो बहुत अच्छा फैसला सरकार का है। इससे हजारों लाखों जो पेंशनर्स हैं उनको घर बैठे लाभ मिलेगा और अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, परेशानी होती थी बुजुर्ग पेंशनर्स को, जिसके चलते मांग भी की जा रही थी, और देखिए उस मांग पर अमल किया गया और सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है। बहुत धन्यवाद आपका सूरज, जानकारी साझा करने के लिए। तो पहले पेंशनर्स को डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए कियोस्क सेंटर या फिर अन्य केंद्रों पर जाना पड़ता था, परेशान होते थे, और अब उनकी परेशानियों को देखते हुए ये व्यवस्था सरकार ने की है।